अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुजम्मिल हुसैन और आज हम जा रहे हैं कुंड बंगला की तरफ। कुंड बंगला तो जैसा कि आपके सामने हम पहले भी कई दफ़ा जा चुके हैं, लेकिन बाइकों पे आज ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि हम ट्रैकिंग करें, हाइकिंग करें कुंड बंगला रोड पर। और मेरे साथ मौजूद हैं आज काशिफ भाई और रेहान, जो कि एक अच्छे ट्रैवलर भी हैं। तो हमने अभी अपना ट्रैक स्टार्ट किया, तकरीबन कोई 15 या 20 मिनट हो गए हैं। बाय बाय कैरी व्यूअर्स, हम इस टाइम शिनकैरी के टॉप जहाँ पे फॉरेस्ट कॉलेज भी है, ये मेरे सामने फॉरेस्ट कॉलेज, यहाँ पे पहुँच गए हैं। मेरे आगे के काशी भाई और रेहान चल रहे हैं। कोई मेरे ख्याल से 1 घंटे से हमारी हाइकिंग स्टार्ट हुई थी, तो स्लो स्लो हम चल रहे हैं। हाँ जी काशी भाई, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रैकिंग भी आ रही है। माशाल्लाह जी, बाकी हम इंशाल्लाह कुंड बंगला की तरफ जा रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, माउंटेनियरिंग भी है, ट्रैकिंग भी है। गुड हो गया भाई, और ट्रेल एंड टफ रास्ता है, इंशाल्लाह आप भी आए एंजॉय करेंगे। वी आर डू दिस। कितना टाइम लगेगा आपका अंदाजन? 5 घंटे और 5 घंटे 4 घंटे। चलें ठीक है जी। ये नीचे आपको हमारा शिनकैरी विलेज, आगे दरख्त काफ़ी हैं, नज़र तो नहीं आ रहा, और बर्फ इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे जाके। हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ है, अभी तक तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल ही हैं, मतलब ज़्यादा थके नहीं हैं। थोड़ा बहुत जो सामान था वो हमने नीचे एक जगह घर में छोड़ दिए, क्योंकि सामान ज़्यादा वजनी था, तो आगे की तरफ हम निकल गए। अभी आगे की वीडियोस आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह व्यूज तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, तो साथ साथ आपको भी हम दिखाएंगे व्यूज। तो व्यूअर्स, अभी हम पहुँचे हैं गोरी का बंगला, चक्का को कहते हैं। यहाँ पे स्नोफॉल भी काफ़ी हुई हुई है, आप देख रहे हैं आगे के काशी भाई और रेहान चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पे मौजूद है, बर्फ मौजूद है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर आगे जाना मुश्किल हो रहा है, चलना आप देख सकते हैं नीचे के करीब कोई 1 फुट से भी ज़्यादा बर्फ यहाँ पर पड़ी हुई है, काफ़ी मुश्किल हो रहा है चलना। देखते हैं अभी यहाँ पे कोई कैंप के लिए जगह देखते हैं, जहाँ पे हमने कैंप करना है, रात का स्टे करना है, तो बाकी का सफ़र इंशाल्लाह सुबह के टाइम करेंगे। बाकी अगर आप मेरे लेफ्ट राइट देखें तो ये बहुत सारी पीक्स हैं जो उस टाइम बर्फ में ढकी हुई है। घर में पहुंच गए हैं, जिसे हम अपनी जुबान हिंदों में डारा कहते हैं, आप इसे पीसी भी समझ सकते हैं। इस साइड हमने थोड़ी सी लकड़ियाँ जमा की थी, तो आप दिलाइए काशी भाई ने, कोई कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं काशी भाई? हम इंशाल्लाह बिरयानी बना रहे हैं। अच्छा, बिरयानी बन जाए आपके साथ, वो वीडियो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये बिरयानी का कुछ मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है, और बाकी ये हमारे बिस्तर वगैरह और ये खाने पीने की कुछ अशिया। रेहान को देखें आप, ये लकड़ियाँ काट रहे हैं। रेहान क्या कहोगे आप? पानी भी हम ले आए थे नीचे से, तो बाहर का मंजर मैं इस टाइम आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि बाहर एक बहुत खौफनाक सा मंजर है, काफ़ी अंधेरा भी हो गया है। अभी कुछ कुकिंग कर लें, उसके बाद आपको बिरयानी भी दिखाएंगे। Thank you.
ना मिलने की सूरत में हमने थोड़ी सी बर्फ़ जमा की है। आप देख सकते हैं कि अभी इसे मैंने ये सॉस पैन में डाला है और इससे अभी पानी बनेगा तो उससे हम अच्छा चाय बनाएंगे, बाकी साथ पराठे वगैरह जो बस भी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी हम सुबह का नाश्ता बना रहे हैं। काशी भाई ने माड़ियाँ बनाई हैं और मैं साथ ये चाय बना रहा हूँ। यहाँ की मज़े की बात यह है कि एक ही चूल्हे में दो चूल्हे बने हुए हैं, जिस तरह बंदा गैस पे होते हैं। अभी अभी हमें एक पाँव के निशान मिले हैं बियर के, ये आप देख सकते हैं। अभी अभी गुजर के गए, ये सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ से होता हुआ ये जिस वाली साइड गया बियर, ये पाँव के निशान आप क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है।